हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में, जिसका यूज़ बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज ज़्यादातर बरसात के मौसम में और जाड़ों के मौसम में इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एस्कोरिल एलएस के यूज के बारे में, डोज के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में, और इससे कैसे ये काम करता है और कुछ इसके वार्निंग के बारे में। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में। एस्कोरिल एलएस सिरप जो होती है, यह एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है। एस्कोरिल एलएस सिरप एक कम्बाइनेशन दवा है, जिसका इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज में किया जाता है। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह नाक बहने, छींकने, खुजली और आँखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है। एस्कोरिल एलएस सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और टाइमिंग के अनुसार भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपकी रिस्पांस पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति जो है और भी ख़राब हो सकती है। अपनी हेल्थ केयर टीम को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वह दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इससे प्रभावित हो सकती हैं। एस्कोरिल एलएस सिरप जो होती है, यह आपको मार्केट में 100 ml की एक बोतल आती है, जो आपको 118 रुपये की प्राइस में मिल जाएंगी। एस्कोरिल एलएस सिरप आपको हर एक मेडिकल पर आसानी से अवेलेबल मिल जाती है। बात कर लेते हैं एस्कोरिल एलएस के कुछ पॉपुलर ब्रांड के बारे में, जो आपको दूसरे नाम से इन सब कंपोजिशन में आपको दूसरे नाम से मिल जाएंगे, जैसे एम्ब्रोडिल एलएक्स, चेरिकोफ एलएस, जीरो टस एक्सपी, आस्थालिन एएक्स, म्यूकोरिल एलएस, सॉल्विन एलएस, ग्रीलिंगटस एलएस और कोरेक्स एलएस। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको इन सब नामों से मार्केट में अवेलेबल मिल जाती हैं। बात कर लेते हैं एस्कोरिल एलएस के कंपोजिशन के बारे में। तो एस्कोरिल एलएस सिरप में तीन कंपोजिशन मिलाए जाते हैं, एम्ब्रोक्सिल, लियो सल्ब्यूटामॉल एंड ग्वाइन फेंसिन। तो ये सब कंपोजिशन आपको प्रत्येक 5 ml में, एम्ब्रोक्सिल जो है 30 mg, लियो सल्ब्यूटामॉल जो है 1 mg और ग्वाइन फेंसिन जो होता है ये 50 mg आपको प्रत्येक 5 ml में मिला हुआ रहता है। बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है क्लीन मार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा की जाती है। अब बात कर लेते हैं एस्कोरिल एलएस सिरप के मुख्य इस्तेमाल के बारे में, यानी इसके यूज के बारे में बात करते हैं। तो मुख्यतः इसका यूज जो है बलगम वाली खांसी, अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, तो इन सब में एस्कोरिल एलएस का इस्तेमाल किया जाता है। एस्कोरिल एलएस सिरप बलगम वाली खांसी से राहत पहुंचाने में असरदार है। यह गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी दूर करना आसान हो जाता है। इससे सांस लेना आसान हो जाता है और खांसी कम आती है। एस्कोरिल एलएस सिरप एलर्जी के लक्षण जैसे आँखों से पानी आना, छींके आना, नाक बहना, गले में जलन होना आदि से भी राहत देता है। बीमारी के लक्षणों से आराम के लिए दवा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिए और गर्म नमकीन पानी के साथ गरारे करें। अब बात कर लेते हैं एस्कोरिल एलएस के साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मिचली आना, उल्टी, डायरिया, पेट खराब होना, पेट में दर्द, एलर्जिक रिएक्शन, चक्कर आना, सिर दर्द, रैशेस, झटके लगना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, मांसपेशियों में क्रैम, हृदय गति बढ़ जाना। तो ये कुछ सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं। बात कर लेते हैं एस्कोरिल एलएस सिरप के डोज के बारे में और इसको कैसे लेना चाहिए। अगर डोज की बात करें तो अगर 13 साल से 18 साल के बच्चे हैं तो उनको आप 5 ml मुंह के जरिए आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, लगातार 7 दिन तक आप दे सकते हैं। अगर बच्चा आपका 2 साल से 12 साल तक के अंदर का है तो उसको आप 2.5 ml दिन में 3 बार 7 दिन तक के लिए आप दे सकते हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो उनको आप 5 ml दिन में 3 बार लगातार 7 दिन आप दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारी तरफ से अगर आप राय मानें तो डोज जो है हमेशा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डोज को लेना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले आप उसकी जो लेबल होती है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसमें जो मापने वाला कप होता है उसके जरिए ही आप पिए। जो भी सिरप आप अगर पी रहे हैं तो उसमें जो कप दिया रहता है, मेजरिंग कप जिसको मापने वाले कप बोलते हैं, तो उस कप से ही आप सिरप पिया करिए। जितना आपको डॉक्टर बोले हैं उतना आप उस कप में सिरप पीजिए। इस्तेमाल करने से पहले आप सिरप को अच्छी तरह से हिला लीजिए। एस्कोरिल एलएस सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक आप निश्चित समय पर लीजिए। बात कर लेते हैं एस्कोरिल एलएस सिरप जो होती है वह किस प्रकार काम करती है। तो एस्कोरिल एलएस सिरप जो होती है यह एक कम्बाइनेशन यानी तीन दवाओं का कंपोजिशन होता है, एम्ब्रोक्सिल, लियो सल्ब्यूटामॉल एंड ग्वाइन फेंसिन, जो कि बलगम वाली खांसी से राहत देती हैं। एम्ब्रोक्सिल जो होती है यह एक म्यूकोलिटिक ड्रग होती है, जो म्यूकस यानी बलगम को पतला करती है और
ढीला करती है जिससे खांसने में आसानी होती है। लियो सल्ब्यूटामॉल जो होती है यह एक ब्रोंकोडायलेटर होती है। यह वायु मार्ग की मांसपेशियों को आराम देकर और वायु मार्ग को विस्तारित करके काम करती है। ग्वानफेंसिन जो होती है यह एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम यानी कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से इसे बाहर निकलने में मदद करता है, साथ में सांस लेना आसान कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ खास टिप्स के बारे में। तो एस्कोरिल एलएस सिरप जो होती है बलगम वाली खांसी से राहत पहुंचाता है जो ब्रोंकियल पल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा और एम्फाइस्मा से जुड़ा होता है। इससे चक्कर और नींद आ सकती है। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपको किस तरह से प्रभावित करता है तब तक ड्राइव ना करें या ऐसा कोई काम ना करें जिसमें मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अगर आपको डायबिटीज है तो इस दवा को लेते समय नियमित रूप से अपने ब्लड ग्लूकोज की निगरानी करें यानी जांच कराते रहें। अगर थायराइड या हृदय रोग का इतिहास यानी आपको पहले से थायराइड और हृदय रोग की समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अगर खांसी एक हफ्ते से ज़्यादा दिन तक न ठीक हो, साथ में बुखार, रैसेस और लगातार सिर दर्द भी हो तो एस्कोरिल एलएस सिरप का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करें यानी बताएं। बात करते हैं इसके इंटेक्शन के बारे में यानी किस दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। जैसे एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, डाइजोक्सिन, अमीनोफाइलिन, सिलाइजिलिन, एमीप्रामाइन, एपिनफ्रेन। तो इन सब दवाओं के साथ इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं इससे कंट्राइंडिकेशन के बारे में यानी किस बीमारी में इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। जैसे गुर्दे की बीमारी, लीवर रोग, हृदय रोग, दौरा और शुगर। तो इन सब रोगों में अगर आप एस्कोरिल एलएस सिरप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो ये था आज का वीडियो हमारा एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।